जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, कई घायल, परिजनों ने लगाया जाम। मनगवा थाना क्षेत्र में हुई वारदात। प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत, घायलों को भेजा गया अस्पताल। आपको बता दें कि दो पक्षों में चल रहे भूमि विवाद ने शुक्रवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इसमें दर्जन भर की संख्या में लोग घायल हो गए हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी मिलने पर मौके पर एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे और मामले को शांत कराया गया। घटना जिले के मनगवा थाना क्षेत्र के टिकुरी 32 गांव की है। निजी पट्टे की जमीन पर सड़क बनाने के मामले में 2014 से विवाद चल रहा था, वह मारपीट में तब्दील हो गया। एक पक्ष का तर्क है कि निजी आराजी की भूमि पर सड़क बना दी गई है, इस कारण मेड़ को सुधारने का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान लाठी, टांगी और तलवार लेकर आए कई लोग पहुंचे और हमला बोल दिया। इसके चलते कई लोग चोटिल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा शहर के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज की है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक पक्ष के कई लोग घायल हो गए, जिसके चलते घायल पक्ष के लोगों ने नेशनल हाईवे 30 में जाम लगा दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम एवं अन्य अधिकारियों ने पुलिस के सहयोग से जाम को खुलवाया है। बताया गया कि टिकुरी 32 में ओम प्रकाश सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह की अराजी है, वो बाहर नौकरी करते थे। इसी दौरान ग्रामीणों द्वारा उनकी निजी पट्टे की अराजी, जो खेत की मेड़ थी, उसमें असंवैधानिक तरीके से सड़क मार्ग बनवा दिया गया। नरेंद्र ने फिर से मेड़ को पहले जैसा बना रहे थे। इसी बीच गांव के दूसरे लोगों ने हमला बोल दिया। गांव में स्थानीय राजनीति की वजह से ये विवाद वर्ग संघर्ष का रूप ले रहा है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को शांत करा लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। 2023 को हमने स्टे के लिए आवेदन किया था, जिस तरह से धमकियां दी जा रही थी कि पूर्व से निर्मित मुर्मिकरा रोड में स्टे प्रदान किया जाए ताकि दबंग लोग। क्या आपके द्वारा रोड निर्माण की गई है? नहीं, हमारे द्वारा नहीं, पूर्व से निर्मित थी, उसका पूरा प्रस्ताव है और पूर्व से निर्मित थी। क्या भूमि अधिग्रहण दान पत्र हुआ है कि नहीं हुआ? भूमि अधिग्रहण दान पत्र था या नहीं? क्योंकि आप सरपंच स्थानीय है, जब रोड बनी है, विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है, तो भूमि अधिग्रहण हुआ था कि नहीं हुआ? पूर्व से बनी हुई है तो पूर्व नहीं, रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड में एज पर जो है, तो आज वर्तमान जो रिकॉर्डेड है उसमें तो पट्टेदार है, उसमें सरकारी भूमि नहीं है, दान पत्र नहीं है। लेकिन जो पूर्व का रिकॉर्डेड है 58-59 है और उसमें जो टिप लगी है वो मंगल बढ़ई के नाम की है। और जिस तरह से आज ये वर्तमान राजस्व खसरा आप क्या देखे हैं? वर्तमान राजस्व तो ओम प्रकाश सिंह के नाम है, लेकिन जो पूर्व का राजस्व है खसरा है वो मंगल बढ़ई के नाम है। खसरा सुधार का आवेदन क्या राजस्व न्यायालय में लगाया? अभी हम उसमें छानबीन में लगे थे, अभी मैं लाठी दे रहे हैं। उनके मौजी लड़का प्रदीप सिंह ने बोला था कि ये बताओ कि सब पर रास्ता है इस गांव के लिए, कहे क्यों नहीं रास्ता है? अपने पिताजी से बोले थे। नहीं, ये देखिए कुछ दिनों से जो है गांव वालों का और कुछ ये जो जमीन के मालिक लोग हैं, ठाकुर लोग हैं, इनका विवाद चल रहा था रास्ते को लेकर के। कोई मेड़ काट दी गई, फिर उसमें जो है उन लोगों ने कहा कि हमारी जबरदस्ती मेड़ काट दी गई, इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। आज अभी जब सुबह ये मालूम हुआ कि वो लोग वहाँ पर मेड़ बनाने का काम कर रहे हैं और फिर इन लोगों ने, ये लोग भी गांव वालों ने कुछ जो भी वहाँ पहुँचे होंगे, तो कुछ विवाद की स्थिति वहाँ निर्मित हुई है, कुछ मारपीट भी हुई है। फिर ये सरपंच के उसमें कुछ लोग यहाँ पर चक्का जाम करने का प्रयास किए तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। चक्का जाम हम लोगों ने इनके सरपंच से बात करके अभी अलग हटवा दिया है और वहाँ पर हम लोगों ने स्थिति को देखा है।